हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे स्पेशल एजुकेशन के बारे में। ये बीएड का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बीएड में ज़रूर से ज़रूर आता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है और साथ ही आपको ये 14 मार्क्स का भी आपको ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहली बात तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ स्पेशल एजुकेशन, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ सेग्रीगेटेड एजुकेशन, ठीक है। या तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्पेशल एजुकेशन या सेग्रीगेटेड एजुकेशन क्या होता है और आप इसके प्रिंसिपल्स बताएं, या फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेग्रीगेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इन तीनों में क्या अंतर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि स्पेशल एजुकेशन क्या होता है और इसकी क्या डेफिनेशन है और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूँगी, वहाँ से जाके आप मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपने इस वीडियो में स्पेशल एजुकेशन के बारे में। स्पेशल एजुकेशन को सेग्रीगेटेड एजुकेशन भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपको पेपर में पूछा जाता है कि स्पेशल एजुकेशन क्या है या सेग्रीगेटेड एजुकेशन क्या है तो आपको सेम कंटेंट ही लिखना है। अब स्पेशल एजुकेशन क्या होता है हम लोग पढ़ लेते हैं अपने इस वीडियो में। स्पेशल एजुकेशन को सेग्रीगेटेड एजुकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सेग्रीगेटेड एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन क्या है कि ऐसे बच्चे जो फिज़िकली या मेंटली या सोशली डिलेड, यानी उसमें किसी तरीके की अनडेवलपमेंट होता है, या तो वो फिज़िकली अनडेवलप होता है या मेंटली होता है या सोशली होता है, तो ऐसे बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। ये आगे देखिए, इट इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू रिसीव एजुकेशन। तो सभी बच्चों को एजुकेशन का बराबर का हक मिला हुआ है, बराबर का राइट मिला हुआ है, लेकिन इस तरीके के बच्चे जो कि मेंटली, फिज़िकली या सोशली जो बाकी नॉर्मल बच्चे हैं उनसे अलग होते हैं, ऐसे बच्चों को जो सोसाइटी होता है वो भी अवॉइड करता है, क्योंकि ख़ास तौर पे देखा जाता है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। अब जो ऐसे बच्चे होते हैं इनको स्पेशल एजुकेशन दी जानी चाहिए और स्पेशल स्कूल्स में दी जानी चाहिए, क्योंकि जो बाकी के जो बच्चे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं वो कोई भी चीज़ जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो होते हैं स्पेशल जो स्टूडेंट्स होते हैं तो ऐसे बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि उनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। दे रिक्वायर स्पेशल टाइप्स ऑफ टीचिंग अप्रोचेस। अब ऐसे बच्चे होते हैं उनको स्पेशल टीचिंग एड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल चिल्ड्रन के नॉट लर्न इन कॉमन स्कूल एज दे हैव डिज़ेबिलिटीज़। अब इन्हें डिज़ेबिलिटीज़ हैं किसी भी तरह की, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ बराबरी के साथ वो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसे बच्चों को, बच्चों के लिए जो डिज़ेबल होते हैं ऐसे बच्चों को अलग स्कूल में स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन need different type of teaching and learning process because they cannot understand everything and they cannot learn everything like normal. उन्हें special education की requirement होती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं
अब आगे हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। आप अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो उसका बहुत अच्छा इम्प्रेशन होता है, इसीलिए आप याद आप ये बात ध्यान में रखें कि अगर आप किसी भी कंटेंट के ऊपर लिख रहे हैं तो आपको दो या तीन आप डेफिनेशन भी ज़रूर लिखें। यहाँ पे देखिए स्पेशल एजुकेशन की टू डेफिनेशन आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू किर्क एंड गलाघेर 1986, ठीक है, ये डेफिनेशन 1986 में दी गई थी। अकॉर्डिंग टू देम द हेल्प दैट स्कूल एडवाइज फॉर चिल्ड्रन हु डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द नॉर्म इज अ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या है कि ऐसे एडवाइस जो इस तरीके के बच्चे, इस तरीके के चिल्ड्रन जो कि डिजेबल होते हैं, ऐसे स्टूडेंट को दी जाती है, इस तरीके की एजुकेशन को स्पेशल एजुकेशन या सिग्रेगेटेड एजुकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू वाई एस सैल्डेसे एंड ए एल गॉजिन 1990 में डेफिनेशन दी गई थी। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, स्पेशल एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल लर्निंग नीड्स। तो उनके अकॉर्डिंग स्पेशल एजुकेशन क्या है कि ये एक तरीके की डिज़ाइन किया हुआ एक इंस्ट्रक्शन है जो कि डिज़ाइन किया गया है ऐसे बच्चों के लिए जो डिजेबल हों, ठीक है, तो उनके उनके लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग इस तरीके की एजुकेशन बनाई गई है, ठीक है। तो इस तरीके के डेफिनेशन आप लोग भी लिखें, जिससे क्या होता है कि मतलब अच्छा अगर आप लिखते हैं अपने एग्ज़ाम में तो उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखिए, स्पेशल एजुकेशन टेक्स प्लेस इन स्पेशल स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स गेट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब जो स्पेशल एजुकेशन होती है वो स्पेशल स्कूल्स में बच्चों को दी जाती है। ऐसे स्कूल में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनको जो है एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनका जो करिकुलम होता है वो भी डिफरेंट होता है और उनका मेथड ऑफ टीचिंग भी डिफरेंट होता है, ठीक है। और ऐसे बच्चों को स्पेशल हेल्प दी जाती है, फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो बच्चा है वो विजुअली इम्पेयर्ड है, अगर उस बच्चे को अच्छी तरीके से नज़र नहीं आता है तो ऐसे बच्चों को कैसे एजुकेशन दी जाएगी जहाँ पे जो बच्चे हैं और उनको क्या किया जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन में रिक्वायर रीडिंग मटेरियल, ऐसे बच्चे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चा अगर को कम सुनाई देता है तो ऐसे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग एड, ठीक है, और विजुअल जो होता है टीचिंग एड ऐसे बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यानी उनके अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों को वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए जो नॉर्मल स्कूल होते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन, और स्पेशल एजुकेशन कहाँ दी जाती है, स्पेशल स्कूल्स में दी जाती है। सिग्रेगेटेड स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन टू एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इन एटमॉस्फियर इन सिग्रेगेटेड एटमॉस्फियर एंड कंटेन स्पेशल नेसेसरी टीचिंग एड दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर एजुकेशन। तो जो सिग्रेगेटेड स्कूल है ये क्या करते हैं, जो एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रन होते हैं, जो जिन्हें किसी प्रकार का डिसेबिलिटी होता है, ऐसे बच्चों को क्या किया जाता है, स्पेशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ पे उन्हें हर तरीके की टीचिंग एड उनको प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो एजुकेशन में कोई उनके बाधा ना हो, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो जो स्पेशल एजुकेशन के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, तो इसके 6 प्रिंसिपल्स हैं जो आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट है जीरो प्रिंसिपल है, जीरो रिजेक्ट एंड फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन। यानी ऐसे बच्चों को जो डिसेबल हो, ऐसे बच्चों को ज़ीरो रिजेक्ट, यानी उनके डिसेबिलिटी के आधार पे उनको रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है, करना है ज़ीरो रिजेक्ट की पॉलिसी है। और ऐसे बच्चों को फ्री की एजुकेशन दी जानी चाहिए और फ्री की अप्रोप्रिएट, यानी उनके जो डिसेबल बच्चे हैं उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। सेकंड देखिए,
लिस्ट द रेस्ट्रिक्शन एनवायरनमेंट। तो ऐसे बच्चे जो डिसेबल हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं दी जानी चाहिए, ज़्यादा ऐसे बच्चों के ऊपर ज़्यादा रोक टोक या बच्चे के ऊपर ज़्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन वाला एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना चाहिए। थर्ड देखिए FAPE, इसका फुल फॉर्म है फ्री अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि ऐसे बच्चे जो डिसेबल हैं, ऐसे बच्चों को 21 साल तक फ्री की एजुकेशन दिया जाना चाहिए, और ऐसे बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड पब्लिक एक्सपेंसेस। तो ये ऐसे बच्चों को फ्री की एजुकेशन दी मिलेगी और एक्सपेंसेस यानी इनके जो खर्चे होते हैं, इनके जो स्कूल के जो खर्चे होते हैं, उसका जो है उसका जो एक्सपेंसेस है वो पब्लिक यानी जो आम जनता है उसको उसके पैसों से ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फोर्थ देखिए पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। तो मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चों का, साथ ही उनके पेरेंट्स का भी। जहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग जो है, कोई भी डिसीजन वो लेने का हक दोनों को भी होगा, पेरेंट्स को भी होगा और चिल्ड्रन को भी होगा। दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स, यानी मीटिंग्स में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पेरेंट्स भी, और पेरेंट्स जो है मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बड़ा जो डिसीजन है वो विदाउट पेरेंट के परमिशन से नहीं लिया जाएगा, यानी पेरेंट्स की वहाँ पे जहाँ पे बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पे पेरेंट्स की भी अनुमति यानी परमिशन लेनी ज़रूरी होगी। फिफ्थ देखिए अप्रिशिएट इवेल्युएशन, ठीक है, सॉरी ये अप्रिशिएट नहीं है, अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन है, ठीक है। स्टूडेंट्स मस्ट बी इवेल्युएटेड इन ऑल एरिया ऑफ सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी। तो जो बच्चे के अंदर जो डिसेबिलिटी है उसका अच्छे तरीके से प्रॉपर उसका जो है इवेल्युएशन होना चाहिए, ठीक है। और बच्चे की जो इवेल्युएशन होगी, बच्चे को जो एजुकेशन दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि वहाँ पे टेक्निकली जो साउंड है, टेक्निकली साउंड उसका यूज़ होना चाहिए। और जो एजुकेशन दी जाती है बच्चों को वो क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन से दी जानी चाहिए, ठीक है। सो सिक्स्थ है, लास्ट है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। इट इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स टू एनश्योर दैट राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड देयर पेरेंट आर प्रोटेक्टेड, यानी कि जो पेरेंट्स हैं और जो चिल्ड्रन हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार है वो बराबर क्या है, प्रोटेक्ट होने चाहिए, सेफ होने चाहिए। पेरेंट्स में रिव्यू एजुकेशनल रिकॉर्ड ऑफ देयर चाइल्ड, जहाँ ज़रूरत हो सके, अगर पेरेंट्स को ज़रूरत है किसी प्रकार के बच्चों के रिकॉर्ड की, एजुकेशनल रिकॉर्ड की, तो पेरेंट्स को वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। दे कैन प्लेस स्टेटमेंट ऑफ करेक्शन इन स्टूडेंट रिकॉर्ड इफ़ इट कंटेन समथिंग दे डिसएग्री विद, यानी कि यहाँ पे देखिए आप पेरेंट्स की प्रॉपर गाइडेंस भी और जो पेरेंट्स की प्रॉपर परमिशन भी ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स को लगता है कि ये कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अगर वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है तो वहाँ पे जो है पेरेंट्स अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स कैन डिमांड फॉर कॉपीज ऑफ एजुकेशनल रिकॉर्ड फॉर देयर चाइल्ड। तो पेरेंट्स जो हैं वो अगर ज़रूरत पड़ने पर अपने जो उनके जो चाइल्ड है, जो उनके चिल्ड्रन हैं, उनके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो राइट्स हैं पेरेंट्स को मिलते हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को बहुत सारे राइट्स जो है मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको इसका जो अगर PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ पे जाके आपको डिस्क्रिप्शन इसका PDF इसका मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। और मेरे चैनल को और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।